dear kids, how are you doing? This is once again Dr. Vani right in front of you with this amazing platform called Vedantu. So I'm going to be doing the SA lecture for that is structural organization in animals in today's class. I hope aap log bahut acha kar rahe honge. I hope aapki preparation of KVPY bahut achhi tarah se chal rahi hogi. You know, we've all talked about KVPY itni sari classes mein and you are well aware about the seriousness of this super amazing examination. You know that if you clear this examination, to aap ISER, IAS jaise amazing colleges mein admission pa sakte hain. मैंने एक वेदांतु मेडिकल सक्सेस स्टोरीज भी बनाया था जहां वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज अ स्टूडेंट ऑफ द आईएसआर कोलकाता राइट नाउ. इफ यू वांट टू गेट इंस्पायर्ड आप वो वीडियो भी देख सकते हो. सो विद दैट माय डियर किड्स कम ऑन लेट्स स्टार्ट टुडेज अमेजिंग क्लास. इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू बी डूइंग 10 प्लस क्वेश्चंस इन अ लॉट ऑफ डिटेल, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन टू एवरी क्वेश्चन एंड मेकिंग श्योर कि अगर उस क्वेश्चन के रिवॉल्विंग या उस क्वेश्चन के अराउंड अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई और थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, यू ऑल शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन रियली क्विकली एंड रियली वेल. सो विद दैट माय डियर किड्स कम ऑन लेट्स स्टार्ट टुडेज अमेजिंग क्लास. राइट, वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट. यू आर अवेयर ऑफ आर अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप और आप सबको पता है कि अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, यू कैन इंटरैक्ट विद अस, यू कैन आस्क अस योर डाउट्स, आपको पता चल जाएगा क्लास कब आ रही है, असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे. सो ऑल ऑफ दिस पोल्स एंड मच मोर यू कैन डू विद दिस टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए. यू आर ऑल्सो अवेयर दैट लास्ट ईयर सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स गॉट इन टू येस द एलीट केवीपीवाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ 2019. अक्षत, मैत्री, कौस्तभ से लेकर प्रखर, निवेद्य, आदित्य, दीज ऑल आर वेरी मच स्टूडेंट्स लाइक यू, स्टूडेंट्स ऑफ वेदांतु, स्टूडेंट्स ऑफ ऑनलाइन study programs who've cleared this super amazing examination. Please, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू एंड आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज विद ईच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ यू बच्चों, हमारी रीच और बढ़ती है एंड वी आर एबल टू यू नो स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड मेक श्योर दैट वी आर एबल टू गिव क्वालिटी फ्री एजुकेशन इस देश के हर बच्चे तक हम पहुंचा सके. सो चलिए शुरू करते हैं आज के सुपर अमेजिंग फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ऑन योर स्क्रीन नाउ. आई डू ऑल्सो रियलाइज कि आप में से कई लोगों ने शायद बायो नहीं लिया होगा 11th में एंड यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स. तो इसीलिए हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं. क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन नाउ. सो कॉलम वन को कॉलम टू के राइट आंसर से आपको मिलाना है. टच कौन करवाता है? नेसल एपिथिलियम, फोरामिन मैग्नम क्या होता है, सेंसरी पैपिले या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. स्मेल में कौन मदद करता है? आपको पता होना चाहिए ये जो स्मेल चीज होती है, द स्मेलिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ समथिंग, मैं उसको लिख देती हूं यहां पे आपके लिए, द स्मेलिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज नोन एज श्नीडेरियन मेम्ब्रेन. तो ये श्नीडेरियन मेम्ब्रेन जो होती है ये आपके नोज में होती है विच हेल्प्स यू टू स्मेल. तो आपको बताना है श्नीडेरियन मेम्ब्रेन कहां है. क्रेनियल नर्व्स आर द वन विच कम आउट ऑफ द स्कल, क्रेनियम. सो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्कल से जो नर्व्स निकलती है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है स्पाइनल नर्व, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा विच कंट्रोल्स ऑल द वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ब्रेन के स्टेम एरिया में, ब्रेन के बेस में होता है. चलिए सो क्विकली ऑन माई स्क्रीन टेल मी द आंसर्स नाउ. येस आई गेट इट, यू आर ऑल राइट, वेरी 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 वेल डन. टच इज अ सेंसेशन, सेंसरी पैपिले. आप रिएक्ट नहीं करते हो बाय टच. इफ समबडी इवन यूजेस अ नीडल टू प्रिक यू, अ फेदर टू स्ट्रोक यू और टचेस यू बाय एनी विच वे, आपको पता चल जाता है बिकॉज इट इज अ सेंसरी. दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन को फ्रॉम योर पेरिफेरी द इंफॉर्मेशन इज टेकन, लुक एट द एरो, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल रिएक्ट टू द काइंड ऑफ टच. सेंसरी, यस इट इज सेंसरी. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. स्मेल, स्मेल इज ऑफ द नेजल एपिथीलियम. मैंने नेजल एपिथीलियम को आपका स्पेसिफिक नाम भी दे दिया. अगर इस साल वो क्वेश्चन बदल के एक स्पेसिफिक नाम देंगे, यू नो इट, इट इज श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन. ये कौन से एरिया में होती है? द नोज हैज गॉट अ लॉट ऑफ फोल्ड्स, राइट. नोज में ऐसे काफी फोल्ड होते हैं, इन फोल्ड्स को के कहते हैं, कॉन्के. हो सकता है क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए. सो द फोल्ड्स ऑफ द नोज और द कॉन्के आर कवर्ड बाय द नेजल एपिथीलियम, क्रेनियल नर्व्स, राइट. ये दिमाग से निकल के दे विल गो टू द इंटायर बॉडी, सो दे आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. व्हाट आर दे पार्ट ऑफ? दे पार्ट ऑफ द
peripheral nervous system. Medulla oblongata is your brain stem. This comes out from the bottom part of the brain. So this is your entire brain, this part here, right? So that make, oh, it's a little on the funnier side. Look at the nose. This part is your medulla oblongata. So it has to come down and form the spinal cord. Is it clear? It needs to come down and form the spinal cord. So there's a big hole here through which it is coming down. There's a big hole through which the medulla oblongata will come down, go down and form the spinal cord. What is that big hole called? That big hole is known as, you're absolutely right, foramen means a hole, magnum, because it's a big gap through which the medulla oblongata will come down as spinal cord. Is it clear, my dear kids? So are you understanding aapne questions kaise solve karne? Are you getting the hang of it? So with that, let's move ahead and let us give you another question to try. Chalo, next question on your screen now. Inme se cockroach ke liye kaun si statement true hai? Come on. Number of ovaries in each ovary are 10. Kya cockroach ki ovary mein sirf 10 ovaries hote hain ya ovary hoti bhi hai? Larval stage ko caterpillar kahenge to butterfly mein kya kahenge? Will the cockroach be called as caterpillar? Patte khayega? They are ureotelic. Urea secrete karte hain. Hamare paas excretion ke 3 modes hote hain. जो भी वाटर में रहते हैं वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, उनको एमोनोटेलिक कहते हैं. इंसेक्ट्स यूजुअली यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं. यूरिया मैमल्स, आपके और मेरी तरह मैमल सिक्रीट करते हैं, इनको यूरियोटेलिक कहते हैं. तो ये दो स्टेटमेंट्स तो 100% गलत है, इनको आपने एक्सक्लूड कर दिया. Now, anal styles are present in cockroach, होते हैं, but ये सिर्फ male cockroach में होते हैं. They are meant for copulation. They are meant for reproduction. They are only present in males. So they are absent in females is 100% true statement. So answer is this. Ovaries thus नहीं होती है, they lay eggs, ovaries नहीं है. Is it clear? Larval stage को caterpillar नहीं कहते हैं. Anal styles are absent in females is a true statement because anal styles are only present in males. They are not ureotelic, they are uricotelic. Next question on your screen, please. Which one of the following is not a connective tissue? Connect नहीं कर रहा है. Which of the following is not a connective? See, cartilage connects जहां पर भी bones का end आता है. The ends of bones are always covered by cartilage. ये cartilage elastic हो सकता है, ये cartilage hyaline हो सकता है. Is it clear? Is it clear? Yes, ये जो bone है ये तो एक bone दूसरी bone से connect होती है. Is it clear? Blood is the liquid connective tissue. Blood and lymph puri body mein flow karta hai. Body ke ek part ko dusri body se connect karta hai. Muscles are not connective tissue. No, no. Muscles are not connective tissue. So muscles is right. They are not the true connective tissue. Next question on your screen, please. The clitellum is a distinct part in the body of an earthworm. आपको पता होना चाहिए दैट अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट. अर्थवर्म क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट का मतलब है दैट माय डियर किड्स, द अर्थवर्म विल हैव बोथ द मेल एंड फीमेल पार्ट इन अ सिंगल वर्म. एक सिंगल वर्म में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स विल बी देयर. इज इट क्लियर? हर्माफ, बिल्कुल आपका मतलब सही है कि हर्माफ्रोडाइट है मेल. इसीलिए अर्थवर्म जो है वो यू नो अपने खुद में ही रिप्रोडक्शन सेल्फ कर सकता है, पर करता नहीं है क्योंकि अर्थवर्म क्रॉस करता है, क्योंकि वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है. क्योंकि जो अर्थवर्म के मेल एंड फीमेल पार्ट्स हैं वो अलग अलग टाइम पे दे मैच्योर. मैं लिख के बताती हूँ एक एक चीज. दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. Therefore, self-reproduction or fertilization is not possible.
जहां से वो दो अर्थवर्म्स, नाउ दिस पार्ट इज वेयर टू अर्थवर्म्स, सेपरेट अर्थवर्म्स फ्यूज एंड डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन. तो ये पार्ट जहां वो फ्यूज करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं इज कॉल्ड एज क्लाइटेलम. इट्स प्रेजेंट इन 14, 15 एंड 16. सो अर्थवर्म के बारे में आपको पता है पेरिथीमा, यस एवरीबॉडी. क्लाइटेलम के बारे में पता है, कौन से सेगमेंट्स में आपको पता है. अर्थवर्म के हर्मोफ्रोडाइटिज्म के बारे में आपको पता है. हर्मोफ्रोडाइट होने के बावजूद भी यस ऑटो क्यों नहीं करता और क्रॉस क्यों करता है, मैंने आपको बता दिया. ऑटो इसीलिए नहीं करता रिप्रोडक्शन बिकॉज द पार्ट्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. इज इट क्लियर? परफेक्ट. सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर चिल्ड्रन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स. मैंने कार्डियक सिस्टम पे पूरे का पूरा लेक्चर ले रखा है ऑन वेदांतु चैनल. इज इट क्लियर? सो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो दो, या आप मान लीजिए बहुत टाइप के होते हैं. सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ. आर्टरी, आर्टरी होती है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, राइट. वेन होती है आपका जो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती है. इज इट क्लियर? कैपिलरी होती है आपका जो एक्सचेंज करवाती है. इसके अलावा छोटी आर्टरीज आर्टेरियोल कहलाती है और छोटी वेन्स वेन्यूल कहलाती है. ये तो होता ही. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेकर जाएगी, वेन जो है आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी. बहुत ही ज्यादा, मतलब सिंपल सी बात है. आर्टरी के पास ऑब्वियसली आर्टरी थिक होती है, राइट. इसके पास कवरिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर से फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास कवरिंग ज्यादा होगी. वेन जो है उसका ल्यूमेन बड़ा होगा. इज इट क्लियर? अंदर इसके पास कवरिंग नहीं होगी और वेन के पास वाल्व्स होगा क्योंकि कोई पंप नहीं है ताकि जो बैकफ्लो ऑफ ब्लड है वो ना हो जाए. पर सारे के अंदर जो इनर कवरिंग होगी, इनर कवरिंग वही तो पूछ रहे हैं, इनर वॉल्स हमेशा थिन होंगी और एक सिंगल लेयर की बनी होगी. उसके बाहर मसल होगा जो भी होगा, इनर लेयर हमेशा थिन होगी और एक सिंगल वॉल की बनी होगी. वो थिन इनर वॉल इज नोन एज स्क्वामोस एपिथेलियम. स्क्वामोस एपिथेलियम के सेल्स ऐसे दिखते हैं, चिपके चिपके, पॉलीगोनल शेप, पतले, फ्लैटेड. इसीलिए इनको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं. इनके बीच में हमेशा एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है. सो इट इज स्क्वामोस. Is it clear? Inner walls, ये बहुत ज्यादा important MCQ है, बहुत बार आया हुआ है. जहां पर भी body को कुछ secrete करना है, for example, जितने भी gland, salivary gland ले लो, thyroid gland ले लो, pancreas ले लो, जहां पर भी body को कुछ secrete करना है, columnar epithelium. In fact, kidney के अंदर भी, kidney में जहां पे आपका proximal convoluted tubule होगा, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपकी आउटर स्किन में होगा. बच्चों में आपको कितने हिंट्स दे रहे हो ताकि अगर कभी और ही क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सको. जहां पर भी आपकी आउटर स्किन है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा, प्लस इसमें केराटिन भी होगा. आपकी इंटर या सो क्यूबॉइडल, सॉरी क्यूबॉइडल है ये, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जहां ग्लैंड्स है किडनी. कॉलमनर एपिथेलियम आपके इंटेस्टाइन और स्टमक के पार्ट्स में. Is it clear? Is it clear? Come on in the comment section. समझ में आ रहा है? Is it clear everybody? चलिए, moving on to the next question. सीटें help in locomotion in the earthworm. So earthworm के पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए that earthworm जो है वो aquatic part, aquatic होता है. Semi aquatic का मतलब है हमेशा moist soil में रहता है. राइट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. मॉइस्ट सॉइल में रहता है और क्या करता है अर्थवर्म? मॉइस्ट सॉइल में रहने की बजाय इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर. ये आपके लिए वर्मी कंपोस्ट बनाता है सॉइल में. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ फार्मर्स फ्रेंड. इसके पास लोकोमोशन के लिए ब्रिसल टाइप मूवमेंट्स होती है, राइट. ब्रिसल टाइप ऐसे फीट टाइप होते हैं जो मूवमेंट करवाते हैं, उनको हम सीटे कहते हैं, राइट. So, helping locomotion of earthworm, but it is not uniform. हर किसी में नहीं होते. Select the segments which represent सीटे. सबसे ज्यादा कहाँ होते? First में, last में,
क्लाइटेलम में जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है यहां भी नहीं होते, क्योंकि यहां तो माउथ वगैरह होगा, यहां भी नहीं होंगे। रिप्रोडक्टिव एरिया बहुत स्वोलन होता है, बहुत स्वोलन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, यहां भी नहीं होंगे, यहां भी नहीं होंगे, यहां भी नहीं होंगे, ओनली इन द 20th to 22nd सेगमेंट में ज्यादा होते हैं, बहुत क्लियरली बहुत इजिली सीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? वाईवी पैरी का मतलब, देखो बेटा ओवी पैरी वो होगा जो अंडे देगा, एग, एगलिंग बर्ड्स जैसे होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। वाईवी पैरी का मतलब है लाइव यंग वंस, जिंदा बच्चे देना। ये करेक्टरिस्टिक मैमल्स का होता है, किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है? मैमल्स का। इसीलिए आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियरली, मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर मेमोरी ग्लैंड्स भी होगा, क्योंकि मैमल्स का काम है लाइव यंग वंस को जन्म देना। ये तो कार्टिलेजिनस फिश है, ऑस्टिक्थीज है, कार्टिलेजिनस। व्हेल्स आर मैमल्स, यस एवरीबॉडी, व्हेल्स आर नॉट फिशेस। लिटिल ट्रिकी बट इजी क्वेश्चन, व्हेल्स आर नॉट फिशेस, व्हेल्स आर मैमल्स, एंड देयरफॉर इट्स अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनीथिंग दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड बच्चो? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स दैट रिलीज हेपेटाइन, ये मैंने कितनी बार कराया हुआ है आप लोगों को, अगर आप यूट्यूब के लेक्चर्स देखोगे, कार्डियक साइकिल में अभी करा रही थी, सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब में खत्म किया, मैंने बहुत बार ये कराया है। यस, आरबीसीज आर रेड ब्लड सेल्स, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, इनका काम होता है ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके जाना और टिश्यू से CO2 को वापस लंग्स तक लेके जाना, ये काम होता है। तब न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई, सबसे पहले कोई भी फॉरेन एंटीजन बॉडी में आ गया, उसके ऊपर अटैक करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज न्यूट्रोफिल्स। बॉडी में कहीं भी कोई एलर्जी हो गई, एस्थमा, हे फीवर, कोई भी एलर्जी हो जाए, इज इट क्लियर, मच्छर काट गया, खुजली हो रही है, एलर्जी, कोई भी एलर्जी हो जाए, फर्स्ट अटैक करने वाला विल बी योसिनोफिल्स। बेसोफिल्स बड़े सेल्स होते हैं, इनमें दाने दाने होते हैं, इसीलिए इनको ग्रैन्यूलोसाइट्स भी कहते हैं। लिखो बेटा, मैं कितना स्लो जा रही हूं, हर एक चीज पे एम्फेसाइज कर रही हूं। इनका दूसरा नाम मास्ट सेल्स भी होता है, इनका एक और नाम प्लाज्मा सेल भी होता है। तो आपको चार नाम पता चल गया अभी, बेसोफिल, ग्रैन्यूलोसाइट, प्लाज्मा सेल, यस, इज इट क्लियर, यस, मास्ट सेल। इनमें एक सिक्रीट होता है हेपेरिन, हेपेरिन एंटीकोग्यूलेंट होता है, ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता है। सेकेंड होता है हिस्टमीन, जो ब्लड वेसल के डायामीटर को बड़ा कर देगा, जिसे मैं वेसो डायलेशन कहती हूं। जब ब्लड वेसल का डायमीटर बड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद ब्लड वेसल का डायमीटर दोबारा छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर बड़ा स्वेलिंग के टाइम होता है, डायमीटर छोटा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये करता है सर्टोनिन। तो बेसोफिल तीन चीजें सिक्रीट करेगा, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट, हिस्टामिन, वेसोडाइलेशन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ब्रॉट अबाउट बाय सर्टोनिन, सो इट्स नोन एज बेसोफिल्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कम ऑन, शो सम जोश गाइस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन एपिग्लॉटिस स्पिन्ना एंड द टिप ऑफ द नोज, इसका ई से ही पता चल जाएगा, एपिग्लॉटिस ई, मैंने ऐसे याद किया था, पिन्ना ऑफ द ईयर, ई ई ई, ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिक ग्लॉटिस ईयर, राइट। देखो ईयर को ऐसे करो, डू, ईयर वापस शेप पे आ जाएगा, सो इट इज वेरी वेरी इलास्टिक। हाइलिन इज क्लियर, ग्लास लाइक,
इसका मर्न मीनिंग होता है हाई और लोज. रिब्स जहां आपके वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रा. तो वर्टिब्रा के बीच में, ताकि वर्टिब्रा बहुत फ्लेक्सिबल ना हो, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए यू हैव दी फाइब्रस. इज इट क्लियर? डन एवरीबॉडी? तो ई एपिग्लॉटिस, ई पिन ऑफ द ईयर, ई इलास्टिक. इज इट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, यू गॉट टू शो सम जोश. कम ऑन एवरीबॉडी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कॉलमनर एपिथेलियम? इनकरेक्ट. कॉलमनर, कॉलमनर मैंने आपको इंटेस्टाइन वगैरह बताया. कॉलमनर बहुत लंबे होते हैं, इनके यहां पे विलय होता है ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ाकर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बढ़ा सके. इज इट क्लियर? इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल स्लेंडर सेल्स. हांजी, ऐसे होते हैं, हांजी, टॉल स्लेंडर, हांजी. न्यूक्लियस बेस की तरफ होता है, हांजी. मैंने आपको बोला था यहां क्यूबॉइडल होगा पीसीटी में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. इज इट क्लियर? एनीथिंग माई डियर डियर चिल्ड्रन दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज आस्क मी, आई एम वेटिंग फॉर सम टाइम. एनीथिंग दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड. तो आई होप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्लैरिटी आ गई हो. आपको पता है कि आपने एपिथीलियम अच्छे से करनी है और मसल्स खूब अच्छे से करनी है, राइट? एपिथीलियम सेल्स और मसल्स खूब अच्छे से करनी है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग कार्टिलेजेस. प्लीज बच्चों, आपको पता है मॉक टेस्ट सीरीज ऑन है, मैं हमेशा से आपको बोल रही हूँ, प्लीज ज्वाइन इट. आई एम श्योर यू विल नॉट बी रिजेंटिंग योर डिसीजन. आपको बहुत अच्छा लगने वाला है मॉक टेस्ट देने के बाद. आपको पता है हमने पिछले साल उन बच्चों को निकाला था. मॉक टेस्ट सीरीज हमारे पास अमेजिंग है, जिनसे हमसे पिछले साल भी रैंक्स निकले थे. सो प्लीज ज्वाइन देम. टेलीग्राम ग्रुप को आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, इट ग्रेटली बेनिफिट यू. अगर आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. With that, my dear kids, thank you. I hope you enjoyed the session. This is Dr. Vani on behalf of Vedantu signing off. Bye-bye. See you in the next class, kids.